हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 वर्किंग डे का क्या मतलब होता है या इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। तो 3 वर्किंग डे, सबसे पहले जानते हैं वर्किंग डे का मतलब। वर्किंग डे का मतलब जिस दिन ऑफिस की छुट्टी नहीं होती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स सब खुले होते हैं, ऑफिसेज खुलते हैं, लोग काम करने वहाँ पे जॉब करने जाते हैं, उस दिन को वर्किंग डे बोलते हैं। नॉर्मली वर्किंग डे वो होता है, ठीक है। 3 वर्किंग डे यानी मान लीजिए फ्राइडे वर्किंग डे है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, ये 3 वर्किंग डे हुए। और बीच में जब 2 दिन की छुट्टी है तो वो वर्किंग डे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। कई बार आपके पास आप बैंक में से मैसेज आता है कि दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड विद इन 3 वर्किंग डे, तो इसका मतलब है कि 3 वर्किंग डे जब छुट्टी नहीं होगी, चाहे बीच में जो छुट्टी आ जाएगी वो वर्किंग डे में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन जिस दिन बैंक खुलेगा नॉर्मली जॉब का जो दिन होगा, वर्किंग डे जब होगा, नॉर्मली फंक्शन जब बैंक करेगा, उन दिन को ही वर्किंग डे माना जाएगा। बीच में चाहे 2 दिन की छुट्टी हो चाहे 3 दिन की छुट्टी हो, वो वर्किंग डे में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।